हेलो फैमिली एडू निर्माण, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको कि एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है एडू निर्माण के नाम से ही। तो आप, मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगी, बाकी आप उस नॉर्मल टेलीग्राम पे एडू निर्माण टाइप करना, आपको मिल जाएगा। उस चैनल पे आप ज़रूर अपने आप को इनरोल करिएगा, क्योंकि नियर फ्यूचर में मेरा प्लान है मेंस की सीरीज़ को लॉन्च करने का भी, कि डेली का हम एक क्वेश्चन लिखा करेंगे आपस में। ठीक है, अभी आप थोड़ा करंट अफेयर से अप टू डेट हो जाओ, फिर करेंगे स्टार्ट उसे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग अभी गलतियाँ कर ले जितनी करनी है, ताकि मेंस में आपकी कोई गलती ना हो एंड एम्पल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो हमारी। ठीक है, दिन के दो भी कर लेंगे तो साल के 300 क्वेश्चंस करने हैं, तो 600 क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं एक प्रैक्टिस के लिए ना। तो फिर से करेंगे स्टार्ट, तो अपने आप को ज़रूर इनरोल करना टेलीग्राम पे, एंड आपकी पर्सनलाइज्ड ग्रीवेंसेस भी देख लेंगे, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स होगी। सो चलिए देख लेते हैं फिर आज का एनालिसिस। ये 31 अक्टूबर का एनालिसिस है, 30 अक्टूबर का रात 11 बजे तक अप्रॉक्स आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला आर्टिकल है रिलेटेड टू टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, बहुत फेमस हो गए हैं अभी रिसेंटली, क्योंकि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, पहले तो उन पर ये आया था कि जो टीपू सुल्तान जयंती है कर्नाटका में उसको नहीं मनाया जाएगा, एंड अभी वे बोला गया है कि उनकी जो स्टेट सिलेबस बुक्स है उनसे वो वाली चीज़ हटा दी जाएगी। ठीक है, अभी ये हिंट दी गई है, एंड ये बताना चाह रहे हैं कि ऑब्वियसली हर किसी का अभी कंसर्न तो होगा ही, कर्नाटका के लोगों का भी। ठीक है, जो उनको थोड़ा एस्पायर करते हैं, एंड रिमूवल ऑफ टीपू जो भी हैं, क्योंकि ये इनविजिबल की थे उस टाइम पे सोसाइटी के, एंड इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था अपने टाइम में, वो हम आगे देखेंगे। बैकग्राउंड क्या है कि जो टीपू सुल्तान थे वो 18th century के रूलर थे मैसूर के, मैसूर कर्नाटका था उस टाइम पे। ठीक है, एंड टीपू सुल्तान कौन थे, रूलर ऑफ मैसूर थे एंड एल्डेस्ट सन ऑफ सुल्तान हैदर अली खान, जो मैसूर में रहते थे। एंड उनका देख लेते हैं, एक बहुत ज़्यादा करेजियस एंड इमेजिनेटिव मैन थे एंड ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, एंड इनका 17 साल का ही छोटा सा रीन था, 17 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली चैलेंज करा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंट्रीब्यूशंस क्या है, सबसे पहले इनके टाइम में 4 एंग्लो मैसूर वार्स फाइट करे गए थे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इनकी समरी, ये मैंने बनाई है, इसमें 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स थे। ठीक है, 1769 से 1784, 1889 से 1992 एंड 1999 में। ठीक है, तो सबसे पहला एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच में था, हैदर अली एंड ब्रिटिश, फिर किस में था, हैदर अली टीपू एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर टीपू ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर टीपू ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो हैदर अली की तो मौत हो गई थी 2nd Anglo-Mysore वॉर में, उसके बाद उन्होंने कोई वॉर ही नहीं लड़ा था। फिर देख लेते हैं इसमें जीता कौन था, तो सबसे पहले में हैदर अली जीते थे। ठीक है, फिर दूसरे में हैदर अली की मौत हो गई थी 1782 में, एंड एक स्टेलमेट हो गया था, ना किसी की जीत हो रही थी ना किसी की हार हो रही थी, इसीलिए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी बिटवीन टीपू एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन जीता था इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी 3rd Anglo-Mysore वॉर में, एंड चौथे में कौन जीता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड चौथे में तो टीपू सुल्तान की डेथ ही हो गई थी। एंड कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, पहले में ट्रीटी ऑफ मद्रास, फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगा पट्टनम, आप MMS से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में, तो इनकी आप हायरार्की याद करिएगा। देन इस टीपू सुल्तान कौन थे, बता दिया है हमने, ही वॉज अ मैन ऑफ इमेजिनेशन, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था इनका, 17 साल की उम्र में इन्होंने पहला एंग्लो मैसूर वॉर फोर्ट किया था, एंड आप देख सकते हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स की पहला और दूसरे में क्या उनकी है, ब्रिटिश कहाँ पे थे, ब्रिटिशर्स की अपनी ये जगह थी। ठीक है, इस तरफ पे ब्रिटिशर्स की जगह थी, पर ये पूरा मैसूर अभी भी उनके कब्जे में था, टीपू सुल्तान और हैदर अली के। फिर क्या था, 3rd और 4th एंग्लो मैसूर वॉर्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, एंड मैसूर सिर्फ इतना सा बच गया था, ब्रिटिशर्स यहाँ 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 तक इनको इन्वेड कर चुके थे, क्योंकि हैदर अली की भी डेथ हो गई थी एंड टीपू सुल्तान की भी डेथ हो गई थी। एंड टीपू का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने अपनी आर्मी रीऑर्गेनाइज की थी यूरोपियन लाइन्स पे, उनको वही टेक्नोलॉजी एंड वही वार फाइटिंग स्किल्स दी थी, एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बनाया था इन्होंने, जिसमें टैक्स डायरेक्टली पीसेंट को बताया गया था, आपको इतना इतना टैक्स देना है, एंड जो जैसे मान लो तहसीलदार है आज के टाइम में या कोई भी है, ऐसे कलेक्ट करने जाता था कोई भी इंसान उनसे, एंड उसको टीपू सुल्तान सैलरी देते थे कि भाई जाओ तुम उनसे पीसेंट से टैक्स कलेक्ट करके लाओ, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अच्छा था उनके टाइम में। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया, ठीक है, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रिपेयर्ड ओल्ड डैम्स को रिपेयर किया, ठीक है, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड सीरीकल्चर, ठीक है, वॉर्म्स वाला जो है ना सीरीकल्चर, सिल्क बनवाने वाला उसको किया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट था नेवी को बिल्ड किया था इन्होंने ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए।
एंड स्टेट कॉमर्शियल कॉरपोरेशन को भी कमीशन किया टू सेटअप फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज भी इस्टेब्लिश की इन्होंने अपने एरिया में. अब इनके अराउंड बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों हैं, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फिगर, आज हर हिस्टोरिकल फिगर पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हैं. तो क्या बोलते हैं कि हैदर और टीपू, सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल एम्बिशंस थे उनके, ठीक है. अब हर कोई चाहता है मेरा राज्य ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है. अकबर ने भी पहले बहुत ज़्यादा वो किया था, फिर वो अहिंसा पे चले गए थे, ठीक है. होता है अब हर किसी के साथ ना, एक टाइम पे इंसान गलत कर देता है, ठीक है, बाद में उसको रियलाइजेशन हो जाता है ना. हम अब उस चीज़ को आज के उस पे हम उसको नहीं, वही ना, पास्ट के पन्नों को प्रेजेंट पे नहीं तोला जा सकता है. एंड उन्होंने टेरिटोरियल एम्बिशंस के रहते बहुत ज़्यादा टाउन्स विलेज उनको टेम्पल चर्चेस को जला दिया था एंड फोर्सिबली हिंदूज को कन्वर्ट किया था. एंड हिस्टोरिकल रिपोर्ट टीपू का बताया गया है कि इनफिडल्स को कन्वर्ट किया टू इस्लाम एंड हैविंग डिस्ट्रॉयड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, एंड उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को भी डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है. एंड इनफिडल्स क्या होते हैं, जो अपने रिलीजन में हर जगह कमी ढूंढते हैं, ठीक है. इस तरीके के लोग जो होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं अपने रिलीजन को लेकर, तो उनको कन्वर्ट करवाया था. एंड डिसएग्रीमेंट होता है उनके साथ, क्योंकि कुछ लोग इनको टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं, ठीक है, एंड ग्रेट सन ऑफ कर्नाटका बोलते हैं. And those who point to his destruction of temple and forcible conversion of Hindus and Christians to accuse him of tyranny and fanaticism. बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा tyranny थी इनकी and fanaticism चलता था, पर कुछ लोग कहते हैं टाइगर ऑफ मैसूर है. तो कंक्लूजन क्या कर सकते हैं हम इस पर, एक जगह एक कोई भी आंसर होगा इसमें, हम एक एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना, ठीक है. ऑब्वियसली प्लेसिंग अ पर्सनैलिटी इन बायनरी टर्म्स इज नाइदर रेशनल नॉर प्रोग्रेसिव, ठीक है. दोनों तरफा नहीं सोचना, नहीं वो करना चाहिए उनको. हिस्टोरिकल परफेक्ट को केयरफुली एनालिसिस करना चाहिए एंड हमें पास्ट से सिर्फ सीखना चाहिए, ठीक है, ताकि हम एक अच्छा और बेहतर प्रेजेंट और फ्यूचर कर सके. एंड इट इज़ इम्प्रॉपर टू जज फिगर्स ऑफ पास्ट बाय कैनन्स ऑफ प्रेजेंट. आज फिगर्स ऑफ पास्ट को आज के उस पे तोला नहीं जा सकते, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशंस कुछ और थी, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो तुम आज क्यों ही इतना वो वाली चीज़ कर सकते हैं. हिस्ट्री को हमें बेसिकली टॉलरेंस सीखना चाहिए, ठीक है. ऐसे नहीं कि उसने हमें कुछ बोल दिया और हमने जंग छेड़ दी, ठीक है. टॉलरेंस सीखना चाहिए, ब्रदरहुड सीखना चाहिए, रादर देन डिवाइडिंग हमें कम्युनल लाइंस पे, ठीक है. धर्म या उसके आधार पे हमें एक दूसरे को डिवाइड नहीं करना चाहिए. अब GS2 का टॉपिक है, हाउ अ US प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड. इम्पीच्ड में क्या होता है, US में दो पार्टीज है भाई, देख लो, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट जैसे हमारे यहाँ इम्पीच होता है, वहाँ पे भी वैसा इम्पीचमेंट होता है, ठीक है. बट कैसे होता है, यहाँ पे अब जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं उन पे गया है ये इम्पीचमेंट वाला, अभी उन पे कार्रवाई होनी है. क्यों, क्योंकि उन्होंने जो उनके उस टाइम पे, अभी इनका 2020 में इलेक्शंस होने वाला है ना, तो इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो उनके वो थे दूसरे वाले तो काउंटर पार्ट थे ना, जो इनके साथ इलेक्शंस में खड़े होने वाले थे, उस पर इन्होंने बोला है कि उस पर कार्रवाई बिठा दी जाए. यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनको उनकी जो उनसे फ़ोन कॉल पे बात की, एंड इसीलिए वो अभी कार्रवाई बिठाने की बात पे इन पे इम्पीचमेंट इंक्वायरी चल रही है. तो बैकग्राउंड क्या है, अभी तक किसी भी US प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया गया इम्पीचमेंट एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इम्पीचमेंट. अब ये ध्यान रखना, इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल नहीं होता है, ठीक है. इम्पीचमेंट जस्ट एक तरीके से इंक्वायरी है, जब वो पूरी सक्सेसफुल हो जाएगी तब किसी को रिमूव किया जाएगा. एंड अभी तक US में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है. एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन को इम्पीच किया गया, बट इनको रिमूव नहीं किया गया. सीनेट जो वहाँ का अपर हाउस है उसने उनको कन्विक्ट नहीं किया गया. एंड जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया गया बिफोर ही कुड बी रिमूव्ड. अब इम्पीचमेंट क्या है कि कांग्रेस रिमूव कर सकती है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को, उसको इम्पीचमेंट्स कहते हैं. अब US कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, दो तरह के हाउसेज होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, लोअर हाउस जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, हैज़ द सोल पावर ऑफ इम्पीचमेंट, वाइल जो सीनेट होता है अपर हाउस हैज़ सोल पावर टू ट्राई ऑल इम्पीचमेंट्स. वहाँ पे सारी ट्रायल्स होती हैं सीनेट में, ठीक है. एंड चीफ जस्टिस ऑफ जो US सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जैसे हमारे यहाँ के रंजन गोगोई जी हैं, हैज़ द ड्यूटी ऑफ प्रिसाइडिंग ओवर इम्पीचमेंट ट्रायल्स इन द सीनेट. जो भी ट्रायल्स होंगी, जो कोर्ट वाली चीज़ें चलेंगी सीनेट में, उस पर चीफ जस्टिस बैठेंगे. जैसे हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं, बट वहाँ पे US के वाले चीफ जस्टिस बैठेंगे. ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेशन, ब्राइबरी, घुसखोरी या फिर अदर क्राइम्स या मिसडिनीमर्स. एसेंशियली सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अब्यूज़ ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास आप बहुत पावरफुल हो, आपको अपनी पावर का अब्यूज़ नहीं करना है. एंड डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है, उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है. एंड जो उनके काउंटर पार्ट थे उन पे इन्होंने अभी वो पावरफुल है, इसलिए उन्होंने बोला है कि जो जो भी है उन पे कार्रवाई करवाई जाए. प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हाउस कमेटी है, अब मैंने ये डाला है फिगर से आपको इजीली याद हो जाएगा. इनिशिएशन क्या है,
हाउस मेंबर्स इंट्रोड्यूस एन इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन, द एंटायर हाउस कैन वोट टू इनिशिएट एन इंक्वायरी। जो हमने पहले पढ़ा है कि लोअर हाउस में ही आपकी इम्पीचमेंट करवाया जा सकता है, ठीक है। ट्रायल तो अपर हाउस में होगा बट लोअर हाउस के पास पावर है। फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, स्पीकर टेल हाउस जुडिशरी पैनल टू इन्वेस्टिगेट इफ देर आर इनफ ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट। इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर हाउस वोट करेगा, एंटायर चैम्बर वोट्स, इफ अप्रूव्ड विद मेजोरिटी द प्रोसेस मूव टू सीनेट। मेजोरिटी को बोलना पड़ेगा, फिर सीनेट के पास जाएगा, अपर हाउस के पास। फिर ट्रायल होगी, एंड प्रेजिडेंट में अपियर इन पर्सन और थ्रू काउंसिल और नॉट एट ऑल बाई प्लीडिंग नॉट गिल्टी, ठीक है। मैं बोल सकता है कि मैं नॉट गिल्टी हूँ, मैं आऊँगा ही नहीं, ठीक है। एंड सीनेट वोट्स, सीनेट में ऑप्ट नॉट टू वोट ऑन ऑल आर्टिकल्स इफ रिस्पॉन्डेंट इज कन्विक्टेड ऑफ एटलीस्ट वन आर्टिकल, ठीक है। अगर वो कन्विक्ट हो चुका है एक आर्टिकल पे भी, मान लो 10 ग्राउंड से 10 में से 3-4 भी माने गए हैं ना, तो फिर वो सीनेट बोल सकता है हम बाकी पे वोट करेंगे ही नहीं, इनको इम्पीच करो, चलो चलो लेकर जाओ इन्हें। रिमूवल क्या है, अगर प्रेजिडेंट, इफ प्रेजिडेंट इज इम्पीच द वाइस प्रेजिडेंट टेक्स ऑफिस एंड इन द नेक्स्ट इन द लाइन ऑफ सक्सेशन इज द हाउस स्पीकर, ठीक है। अब फिर हाउस स्पीकर आ जाएगा अगर इनकेस प्रेजिडेंट नहीं है तो। देन ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट पढ़ लिया है, प्रोसेस क्या है, इन्वेस्टिगेशन हाउस कमेटी को होगी, फिर हाउस वोट करेगा, फुल हाउस वोट करेगा तो आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट मेजोरिटी वोट होगी तो प्रेसिडेंट इम्पीच्ड है। नेक्स्ट प्रोसीडिंग का होगी सीनेट पे, सीनेट ट्रायल एंड वोट, सीनेट्स होल्ड ट्रायल, ओवरसीन कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर वहाँ पे टीम ऑफ लॉ मेकर्स, एक तो प्रेसिडेंट की तरफ से होएगा, एक प्रोसिक्यूटर्स होएगा। प्रेसिडेंट के पास डिफेंस लॉयर होंगे एंड सीनेट सर्व्स एज जूरी। फिर वहाँ पे 2/3 ऑफ द वोट चाहिए, ठीक है। एंड फिर प्रेसिडेंट गिल्टी फाइन करेगा तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा एंड वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह ले लेंगे। सो आई होप यूएस प्रेसिडेंट के तो आप, मैं आपसे आंख बंद करके पूछ लूँगी तो भी आप बता दोगे। फिर है नेशनल पेंशन स्कीम, ये क्या, कौन रेगुलेट करता है, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने, वो रेगुलेट करता है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। अब लॉन्च किया, कब किया गया था, 2004 में फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एंड 2009 में हर सेक्शन को इसको बोल दिया था कि भाई कोई भी आ जाओ, प्राइवेट वाला भी आ जाओ, हम तो लेने को तैयार है। क्योंकि अब थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखो कि 2009 में रिसेशन था तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, अब पेंशन से क्या होएगा, लोग अपना पैसा जमा करवाएंगे एंड फिर उनको पेंशन पे मिलेगा, तो थोड़ा ऐसे लिंक कर लो। एंड अभी भी हमारी इकोनॉमी रिसेशन में चले तो अभी इसलिए नेशनल पेंशन स्कीम इन्होंने खोल दी गई है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए भी, ठीक है। एंड जो पहले नॉन रेजिडेंट NRIs के लिए तो थी, अब OCIO के लिए भी है ये। एंड दिस स्कीम्स अलाउ सब्सक्राइबर्स टू कंट्रीब्यूट रेगुलरली, उनका पेंशन अकाउंट होगा उसमें वो रेगुलरली जब तक वो काम कर रहे हैं वो अपना भरते रहेंगे एंड फिर रिटायरमेंट के बाद उनको उनका मिल सकता है का जो भी उन्होंने दिया है कुछ इंटरेस्ट के साथ या बिना इंटरेस्ट के साथ। एंड दिस सिस्टम कौन मैनेज करता है, मैंने बता दिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2004 में लॉन्च किया गया था। अब ज्वाइन कौन सा कर सकता है, बंदा 18 से 65 साल के बीच में होना चाहिए एंड NRI कैन ज्वाइन दिस एंड हाउएवर अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड इफ देयर इज चेंज इन सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ NRI। NRI की जगह वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गया है तो उसकी तो ये खाता बंद कर दिया जाएगा। अब OCI के बारे में भी बोल दिया गया है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी ज्वाइन कर सकता है जो 18 से 65 ईयर्स की एज के बीच में होगा। तो देन इज अबाउट यूरोपियन MPs कश्मीर विजिट, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया है इसका, भाई हमारे जो अपोजिशन के MLA उनको तो विजिट करने दिया जा नहीं रहा एंड यूरोपियन से बुला के उनको विजिट कराया जा रहा है। तो विजिट करा कश्मीर में क्योंकि अभी वहाँ आर्टिकल 370 एंड 35A को रिवोक कर दिया गया है तो स्पेशल स्टेटस नहीं है मोर ओवर एनी कश्मीर को। अब आर्टिकल 370 क्या बोलता था, स्पेशल स्टेटस एंड फिर स्टेट असेंबली उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी एंड सेपरेट लॉ फॉर स्टेट रेजिडेंट्स जस्ट सच ए सिटीजनशिप, ठीक है, एंड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, वहाँ के लोग ही वहाँ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं एंड फंडामेंटल राइट्स एंड सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट परचेज प्रॉपर्टी एंड सेंटर कैन नॉट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन आर्टिकल अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द स्टेट। ऑब्जर्वेशन क्या किया गया है कि इंटरनल इशू है, ठीक है, हमें एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के बारे, इंडिया को कुछ मत बोलो, या इंडिया का इंटरनल इशू है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है। एंड रीसेंट टेरर अटैक्स ऑन सिविलियंस ने ये इंडिकेट किया कि टेररिज्म अभी भी खत्म नहीं हुआ है कश्मीर में एंड टेररिज्म सिर्फ इंडिया की नहीं एक ग्लोबल प्रॉब्लम है एंड आफ्टर इंटरेक्टिंग विद वेरियस ग्रुप दे फेल्ट दैट सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है कश्मीर में। ये मैं नहीं बोल रही, ये ऑब्जर्वेशन बोली गई है यूरोपियन MPs ने। एंड J&K शुड बी प्रमोटेड एज डायनेमिक प्लेस फॉर बिल्डिंग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब कंसर्न क्या है भाई इसकी वजह से, वो आए हैं तो क्या कंसर्न होगी, क्या खुजली हो गई यहाँ के MPs को। उन्होंने बोला कि जब गवर्नमेंट फॉरेन MPs को अलाउ कर देती है तो ऑपोजिशन वाले MPs को क्यों नहीं अलाउ कर रही। दूसरा, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट आर नॉट अलाउड टू टॉक टू डिटेन्ड J&K लीडर्स, ठीक है, एंड सर्टेन ग्रुप्स एंड सेक्शन जिनको प्रॉब्लम है वो डिटेन्ड जो है वहाँ पे अब्दुल्ला खान है, ठीक है, उनसे तो मिलने नहीं दिया नहीं जा रहा है, आप नॉर्मल पीपल से मिल रहे हो।
एंड एमपी को, इन एमपीज को एक बिजनेस पर्सन ने इनवाइट किया था जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में चला रहे हैं, एंड गवर्नमेंट इनको कैसे ऑनर कर सकती है ऐसे इनविटेशन को. एंड चॉइस ऑफ दिस डेलीगेशन इज ऑल्सो रेज आईब्रोज, क्योंकि जिन्होंने भी ट्रैवल किया है वो ज़्यादा राइट विंग पार्टीज के वो हैं, राइट विंग को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो तो मोदी प्रोपेगेंडा को ही सपोर्ट करेंगे. एंड इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट मूव वॉज टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी, देन वाई वुड टेरर एक्टिविटीज रीकर. ठीक है, नॉर्मलसी लाना चाह रहे थे, फिर भी टेररिज्म क्यों बढ़ता जा रहा है वहाँ पे, एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्यों नहीं अब तक रिस्टोर किया है, एंड गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ग्रेव, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दी गई है बाई इंट्रोड्यूसिंग अ थर्ड पार्टी टू एक्सेस द ग्राउंड सिचुएशन इन एंड कश्मीर. ये बोला गया है कि थर्ड पार्टी को नहीं इन्वॉल्व करना दिया चाहिए था. अब ये हेड क्या है, इट इज़ अ हाई टाइम कि गवर्नमेंट को जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंडियन एमपीज़ हैं, उनकी भी विजिट को अलाउ कर देना चाहिए एंड कम्युनिकेटर नेटवर्क्स को रिस्टोर कर देना चाहिए. क्योंकि आप खुद सोचो, वो दो तीन महीने से बिना किसी कम्युनिकेशन के रह रहे हैं, तो इतने भी इनह्यूमन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को. देन इज़ अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इंडिया ने सेकेंड असेंबली ऑफ ISA को होस्ट कर रहा है, एंड कौन उसको होस्ट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस इवेंट को होस्ट कर रहा है. अब ISA क्या है, असेंबली, ISA में जो असेंबली है, इट इज़ द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड इट गिव्स डायरेक्शन ऑन फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ जो भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में होते हैं. ये अलायंस 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ का है. इनिशिएट किसने किया था, इंडिया ने, एंड मोस्ट ऑफ देम आर सनशाइन कंट्री. सनशाइन कंट्री मतलब वो विच लाई ईदर कम्प्लीटली और पार्शली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड नाउ एक्सटेंडेड टू ऑल मेंबर्स ऑफ UN. इनिशियली तो जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो लाई करती है उन्हीं कंट्रीज का था, बट अभी ऑल मेंबर्स ऑफ UN को इसने एक्सटेंड कर दिया. द पेरिस डिक्लेरेशन एस्टैब्लिश इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज एन अलायंस डेडिकेटेड टू प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी अमंग इट्स मेंबर्स. ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल डिप्लॉयमेंट हो. ठीक है, हमारा जो 1000 गीगावाट है ऑफ सोलर जनरेशन कैपेसिटी होना चाहिए, एंड मोबिलाइज, एंड जब इतनी ग्लोबल जनरेशन कैपेसिटी होगी सोलर की, तो उससे फिर पैसे भी लगेंगे, एंड मोबिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर $1,000 billions इनटू सोलर एनर्जी बाय 2030. एंड ये काम क्या करता है, एज एन एक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन इट ब्रिंग्स टुगेदर कंट्री जो सोलर रिच पोटेंशियल में है. तभी तो मैंने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में वहाँ सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, तो इसीलिए कंट्रीज को इन्होंने जोड़ा हुआ है. एंड फिर फैसिलिटेटिंग क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सोलर टेक्नोलॉजीज एट स्केल एंड प्रोमोटिव कोलैबोरेटिव सोलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड जो कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है उसके लिए. अभी फोर्स में कब आया था, वेन ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन December 6, 2017, एंड ISA फॉर्मली बिकेम अ डी जोरी ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम, इंडिया में. GST का टॉपिक है अबाउट निर्विक स्कीम. निर्विक स्कीम के बारे में कर चुके हैं. जो ECGC है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इज ऑप्टिमिस्टिक दैट निर्विक स्कीम उसको, जो एक्सपोर्ट है, जो अभी हमारे कमबंदी चल रही है, तो एक्सपोर्ट को एक फिलिप देगा. ठीक है, बढ़ाएगा उसको. ECGC क्या है, ECGC ने अनाउंस किया था निर्विक स्कीम को, ठीक है, ताकि वो इजी लैंडिंग प्रोसेस एंड एनहांस लोन अवेलेबल, नहीं, ECGC का काम क्या होता है कि वो लोन अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाता है. देन ECGC है क्या चीज़, ये कंपनी है होली बेस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कहाँ पे बेस है, महाराष्ट्र में. इट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट्स टू इंडियन कस्टमर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स. कंट्रोल कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड कब इस्टेब्लिश किया था, 1957 में. की फीचर्स क्या है, जो निर्विक स्कीम है, ठीक है, निर्विक स्कीम्स क्या करवाएगी, लोन की अवेलेबिलिटी करवाएगी. एंड ECGC क्या करवाता है, जो भी लॉसेज होते हैं, किसी को लॉस हो जाता है, ठीक है, किसी का सामान नहीं पहुंच पाता दूसरे देश में, एक्सपोर्टर्स का है, या फिर कोई लॉस आ जाता है, तो वो उसको पूरा इंश्योरेंस दे देती है. इंश्योरेंस मनी, अगर इंश्योरेंस करवाई आपने अपने माल की, तो आपको उतना पैसा वापस मिल जाएगा. तो इससे रिलेशन में निर्विक स्कीम भी लॉन्च की गई है. अब निर्विक स्कीम क्या कहती है, इंश्योरेंस कवर गारंटी कितना होएगा, इंश्योरेंस अप टू 90% ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. 90% तक आपका जितना आपने इन्वेस्ट किया है, हम आपको उतने का इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं, हम उतने पैसे आपको वापस मिल जाएंगे. एंड इंश्योरेंस कवर में प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट भी इन्वॉल्व होगा, उससे पहले और उससे बाद में आपका कितना खर्चा आया है शिपमेंट में. एंड इंक्रीज कवर विल इंश्योर फॉरन एंड रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंटरेस्ट रेट बिलो, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, 4% एंड 8% रिस्पेक्टिवली फॉर एक्सपोर्टर्स. जेम्स ज्वेलरी एंड डायमंड सेक्टर बोरो लिमिट ऑफ ओवर 80 crores विल हैव हायर प्रीमियम रेट इन कंपेरिजन, जो मतलब उनका प्रीमियम रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दे ये कॉस्टली आइटम्स हैं, ड्यू टू हायर लॉस रेशो. अब देख लें, क्योंकि लॉस इनका ज़्यादा हो जाएगा तो इनके पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. एंड
ये मॉडरेट टू 0.60 प्रीमियम रेट्स इनका इतना मॉडरेट किया है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं बट थोड़ा देख लेते हैं। एंड मैंडेट्स इंस्पेक्शन ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स बाई ECGC ऑफिशियल्स अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का लोन है। पहले 1 करोड़ से ज़्यादा पे ही वो देख लेते थे डॉक्यूमेंट्स, बट अभी 10 करोड़ के बाद ज़्यादा उनको इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। एंड बैंक उनको प्रीमियम दे देगा टू ECGC मंथली ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। बेनिफिट्स क्या है? एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी जो एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, एंड इन जिन एक्सपोर्ट्स को कम्पिटेटिव होएगा। ऑब्वियसली अब कोई मैंने प्याज भेजने हैं दूसरे देश में, तो जब मुझे यही गारंटी नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट कि मेरे प्याज सेफली चले जाएंगे एंड अगर कोई नुकसान हो गया तो हम बोरो करेंगे, तो मैं क्यों ही इतना ज़्यादा अपना इन्वेस्ट करूँगी टाइम एंड एफर्ट कि मैं प्याज को बेचूँ कहीं और जाके। एंड इट विल मेक ECGC एक्सपोजर्स एक्सपोर्टर फ्रेंडली। एक्सपोर्टर फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, लोगों में कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे। And insurance cover is expected to bring down cost of credit due to capital relief, less provision requirements and liquidity due to quick settlements of claim. ठीक है, निर्विक स्कीम के अगर क्विक सेटलमेंट हो जाएगी तो लोग इतना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। एंड टाइमली एंड एडिक्युएट वर्किंग कैपिटल टू एक्सपोर्ट सेक्टर ईजिली अवेलेबल, क्योंकि लोन अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं ना, तो लोन ईजिली मिल जाएगा तो वो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। देन इज अबाउट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। DRDO ने क्या करा है, एयर इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या चीज़, ये टेक्नोलॉजी है जो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स को ऑपरेट करवाएगा विदाउट नीड ऑफ एक्सेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, और ये किसको रिप्लेस करेगा, डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ नॉन न्यूक्लियर वेसल्स। अब आप ये देखो, मैं आपको मोटा मोटा समझाती हूँ, एक सबमरीन क्या होता है, ये समुंदर है, उसके नीचे क्या होता है, सबमरीन, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मॉनिटर कर लेगी पड़ोसी देश जो भी वो अपनी सी में कोई भी डिस्टर्बेंसेस कर रहे हैं, तो क्या होता है इनको थोड़े थोड़े हफ्ते दर हफ्ते में इनको ऊपर आने के लिए इनकी ये होता है, डीजल वाली चीज़ें होती थी। अब डीजल वाले को क्या करना पड़ता था, रिफिल करना पड़ता था बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, एयर ये क्या किया, एयर इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। तो एयर इंडिपेंडेंट से क्या होएगा, उसको इसकी इंड्योरेंस बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा समुद्र के अंदर रह पाएगा, ज़्यादा अंदर रह पाएगा तो वो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर सकता है एंड एक साइलेंटली ऑब्जर्व करेगा तो उसके हमें ज़्यादा पता चल जाएगा एंड उसको फ्यूल रिप्लेसमेंट भी कम होगा उसमें। एंड ये किस पे बेस्ड है, कंबशन ऑफ स्टोर्ड ऑक्सीजन एंड इथेनॉल टू ऑगमेंट बैटरी पावर्ड प्रोपल्शन, एंड ये बैटरी पावर्ड प्रोपल्शन है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो डीजल वेस्ट थे वो क्या था, उनको सरफेस पे फ्रीक्वेंटली आना पड़ता था टू चार्ज देयर बैटरीज एंड अंडर वाटर इंड्योरेंस, इंड्योरेंस मतलब सहनशीलता, बहुत कम दिनों की होती थी अंडर वाटर। अब बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दी गई है तो टेक्नोलॉजी तो एंड्योरेंस उनकी बढ़ गई है सब मरीन्स की, एंड दो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन बनाया गया है तो इससे उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इट इनेबल सबमरीन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर सर्विसेज एंड बैटरी चार्जिंग वाइल कम्प्लीटली बींग सबमर्ज, मतलब वो अंदर रहते ही अपनी एनर्जी को फुलफिल कर सकती है, ठीक है, इस तरीके की। वहाँ पे जैसे टर्बाइंस होगी, एक फ्यूल है, ठीक है, मतलब एक कोई भी मतलब गैस होगी वो टर्बाइंस पे रोटेट करवा दी जाएगी जिससे एनर्जी बनेगी, वही सेम हाइड्रो पावर वाला फंडा, एंड फिर उससे वो अपनी जो सबमरीन की नीड है वो पूरी कर लेगा। एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड जो भी ऑक्सीजन लाइटनिंग एंड अमेनिटीज फॉर क्रू के लिए भी चाहिए, एंड नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स रन ऑन बैटरी पावर्ड, जो भी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो बैटरी पे चलती हैं एंड वो साइलेंट रह सकती है। सबसे बढ़िया तो होती है न्यूक्लियर सबमरीन्स, ठीक है, बट न्यूक्लियर सबमरीन्स बहुत कॉस्टली होती हैं तो इसीलिए नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स को एक एयर प्रोपल्शन की, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की ज़रूरत थी, तो वो हमारी DRDO ने अचीव कर लिया, बहुत अच्छी बात है। देन जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो क्या हुआ, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का डिटेंशन था वो एक्सटेंड कर दिया गया 3 महीने का अंडर जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अब ये है क्या, इसको 1978 में लाया गया था एंड ये एक टफ लॉ है। इसमें पहले तो किस लिए लाया गया था कि जो टिम्बर की स्मगलिंग करते थे लोग, ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि 16 साल से कोई भी ज़्यादा है तो उसको 2 साल तक वो डिटेन कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल, कोर्ट में ले जाए बिना आप उसको डिटेन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो टिम्बर स्मगलर्स के लिए था ताकि वो रुक जाएं, ना ज़्यादा स्मगलिंग करें, बट PSA अलाउज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन फॉर अप टू 2 ईयर्स, या अगर कोई भी बंदा एक्ट ऐसे ही तरीके से एक्ट कर रहा है जो स्टेट की सिक्योरिटी के लिए घातक है, ठीक है, या पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए घातक है, ठीक है। एंड डिटेंशन कौन ऑर्डर कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। एंड सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट क्या कहता है,
प्रोटेक्शन ऑफ एनी एक्शन डन इन गुड फेथ. अगर कोई एक्शन गुड फेथ में किया गया है, ठीक है, मतलब उसकी कोई सिक्योरिटी को ख़राब करने के लिए उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, तो उससे प्रोटेक्शन मिल सकती है. एंड सेक्शन 23 क्या कहता है कि गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड टू मेक सच रूल्स दैट कंसिस्टेंट विद प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. मतलब ऐसे कोई रूल्स बना सकते हैं आप जो इस एक्ट के कंसिस्टेंटली में हो. एंड ये ड्रेकोनियन लॉ क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जब से ये आया इसका मिसयूज़ ही हुआ जा रहा है. एंड जो भी पॉलिटिकली ओपोनेंट्स है जिससे आपको ये लग रहा है कि ये बहुत बकवास कर रहा है, चलो इसे डिटेन कर दो, ठीक है. एंड तो तब से ये इसी तरीके के लिए यूज़ हुआ जा रहा है. एंड अगस्त 18 में एक्ट जो अभी 2018 के अगस्त में है, इस एक्ट को अलाउ कर दिया गया कि आप जो आउटसाइड स्टेट्स के लोग हैं उनको भी डिटेन कर सकते हो अंडर दिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट. एंड डिटेनिंग अथॉरिटी को ज़रूरत भी नहीं है डिक्लेयर करने की कि भाई क्यों हमने तुमको डिटेन कर रखा है, ठीक है. तो ये तो वही बात होगी, किडनैप कर लिया हमने आपको. एंड द टर्म्स जो जिस पे पर्सन को डिटेन किया जाए जो इस एक्ट में है वो एक बहुत वेग है, ठीक है. अब एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अब वो तो तुम्हारी स्वीट विल पे है ना, तुम इसको प्रेजुडिशियल मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, ठीक है. तो बहुत वेग है. एंड वेगनेस प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट गिव्स अनब्रिडल पावर टू अथॉरिटी. अब वेग है तो अथॉरिटी तो फायदा उठाएंगी ही. एंड डज नॉट प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू ऑफ डिटेंशन, ना ही जुडिशियल रिव्यू है, तो इसकी वजह से प्रोलॉन्ग डिटेंशन ऑफ पीपल हो जाता है, वो सालों साल जेल में ही पड़े रहते हैं. भाई जुडिशियरी को ही नहीं पता, अच्छा डिटेन कर रखा है तुमने लोगों को, अच्छा चलो देखते हैं. एंड इट इज़ यूज अगेंस्ट ह्यूमन राइट एक्टिविटीज, जर्नलिस्ट, सेपरेटिस्ट, सब के अगेंस्ट यूज़ किया गया है. एंड राइट टू डिसेंट इज स्टिफल्ड बाय सच एक्ट्स, जैसे हमारे यहाँ सेडिशन है वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट. देन इज अबाउट मालवेयर. मालवेयर क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ कन्फर्म दैट मालवेयर उनके सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया गया था. जहाँ जो एक कुडनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे सिस्टम को अफेक्ट कर दिया गया था, जो भी उनका कंप्यूटर वाला सिस्टम था. किसने? एक नॉर्थ कोरियन वायरस है D-TRAC, ठीक है, उसने उनके सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया गया है. एंड ये इट इज़ शॉर्ट फॉर मालिशियस सॉफ्टवेयर. अब क्या मालवेयर क्या होता है? एक मालिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे कोई भी हमारे कंप्यूटर में काम कर रही हूँ, ठीक है, एकदम से बंद हो गया, बाद में पता चला वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया. तो वायरस क्या है? एक मालिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर डैमेज, डिसरप्ट, स्टील, या फिर कोई भी बैड एंड लेजिमिटेट एक्शन, इलेजिटिमेट एक्शन ऑन डाटा, डाटा पे बुरी असर करने के लिए जो इसको बनाया जाता है. एंड मालवेयर के कॉमन टाइप्स कौन से? वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, बॉट्स, रैनसमवेयर्स, बैकडोर्स, स्पाईवेयर्स एंड एडवेयर, ठीक है, इस तरीके के होते हैं मालवेयर. हमारा मोस्ट कॉमन तो हम कहते हैं ओए वायरस घुस गया हमारे फ़ोन में. देन इज अबाउट मेकंग रिवर. मेकंग रिवर के लेवल कम हो रही है क्योंकि लाओस डैम बन रहा है. एंड मेकंग डैम रिवर कहाँ है? टिबेट में ओरिजिनेट होती है एंड फ्लोज थ्रू चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम. यहाँ पे ओरिजिनेट करते हैं मेकंग एंड यहाँ से फ्लो करती है. तो इसकी बस सीरीज देख लो कहाँ कहाँ से है. म्यांमार, ये म्यांमार हो गया, ठीक है, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है, हर जगह इससे लोकेट करती है. देन इज अबाउट इंडियन ब्रेन एटलस. IIIT हैदराबाद क्रिएट्स, IIT नहीं है, IIIT, ठीक है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन समथिंग है. आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना IIIT क्या है. इन्होंने फर्स्ट इंडियन ब्रेन एटलस बनाया है, ठीक है, जैसे हमारी कंट्री का एटलस होता है वैसे ही ब्रेन का एटलस है. जैसे ब्रेन में कहाँ कहाँ किस तरीके के न्यूरॉन्स हैं, किस तरीके से ब्रेन की लोकेशन है, कहाँ पे कौन सी चीज़ है, और उसको क्या नाम दिया गया है? IBA 100. एंड अदर ब्रेन एटलसेज इंक्लूड्स चाइनीज, कोरियन एंड कॉकेशियंस. इन्होंने भी बनाई हुई है दूसरी एटलस, बट हमने फिलहाल इंडियन ब्रेन एटलस बनाई है. ये फर्स्ट डिजिटल ह्यूमन ब्रेन एटलस है. नहीं, ये फर्स्ट नहीं है. द फर्स्ट ह्यूमन डिजिटल ब्रेन एटलस किसने क्रिएट की थी? मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने. की फैक्ट्स क्या है? एटलस रिवील करती है कि इंडियन ब्रेन छोटा है हाइट, विड्थ और वॉल्यूम में एज कम्पेयर टू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पॉपुलेशन. एंड ये अर्ली डायग्नोस, अगर ये स्टडी से क्या होएगा, हमारे अर्ली डायग्नोसिस पता चल जाएगा. जो भी अल्जाइमर्स, ये ब्रेन डिजीज है जिसमें इंसान जल्दी भूलने लगता है, तो क्यों भूलने लगता है, तो उसका डायग्नोसिस करने में ईजी रहेगा. एंड 50 इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट जेंडर से बनाई गई है MRI स्कैन की हेल्प से. साइक्लोन महा क्या है? सबसे पहले डिप्रेशन ऑफ अरेबियन सी हैज़ इंटेंसिफाइड इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसको महा नाम दिया गया है. एंड नेम किसने दिया गया है? ये ओमान ने, ठीक है. एंड महा फोर्थ साइक्लोन है इन अरेबियन सी. पहले आया था वायु, फिर हिक्का, अभी क्यार हमने कल पढ़ा था, अभी आने वाला है महा. अब मैं आपको बता दूं कि नेमिंग कैसे दी जाती है. मैंने पहले भी बताया, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं. 2004 में जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में 8 मेंबर्स कंट्रीज हैं, उन्होंने बोला कि चलो तुम सब भाटो साइड में, हम डिसाइड करेंगे साइक्लोन को नेम कैसे देते हैं, जो भी बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में ओरिजिनेट होंगे। तो कौन सी 8 कंट्रीज थी उस टाइम पे? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये देख रखी है। एंड ये क्या करते हैं, जब 34 नॉट से ज़्यादा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, 34 नॉट से ज़्यादा किसी की स्पीड बढ़ जाती है तो उसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं। अब ये 8 कंट्री हैं, इनके ये 64 नेम्स हैं टोटल, ठीक है, इन्होंने ये लिस्ट दी हुई है। अगर ये लिस्ट खत्म हो जाती है फिर दोबारा इनको लिस्ट देनी पड़ती है। तो आप इसमें देख लो, ये अभी क्या हुआ, साइक्लोन फानी आया, फिर वायु आया, फिर हिक्का आया, फिर क्यार आया, तो उसके बाद अब सोचो कि महा ही आना था, ठीक है, महा के बाद कोई आएगा तो उसे बुलबुल बोलेंगे, फिर सोम्बा बोलेंगे और फिर अम्फान बोलेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कौन नेमिंग करता है, जो वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में 8 मेंबर कंट्रीज हैं वो इसको नेमिंग करते हैं साइक्लोन्स को। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।